ऑस्कर विजेता एआर रहमान आज यानी 6 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिलीप चंद्रशेखर यानी एआर रहमान का जन्म चेन्नई के मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में 6 जनवरी 1966 को हुआ था। दिलीप के पिता आर के शेखर साउथ इंडस्ट्री यानी मलयालम फिल्मों में म्यूजिक अरेंजर के तौर पर काम करते थे। वे म्यूजिक इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराते थे, यानी उनके घर में हर तरह के वाद्य यंत्र मौजूद थे। इस तरह रहमान को संगीत विरासत में मिला था। जी हाँ, मैं स्वाति खरे बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एआर रहमान साहब के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों का जिक्र करेंगे, ऐसी घटनाएं जिसने रहमान साहब के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। क्या आपको पता है एआर रहमान का धर्म बदलने से पहले दिलीप शेखर नाम था? जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें अपने इस नाम से बेहद नफरत थी। बचपन से ही उन्हें ये नाम अटपटा लगता था। उन्हें लगता था कि उनका नाम ठीक नहीं है। रहमान पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। टीचर की डांट और साथी छात्रों के सामने कम अंक की वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती थी। एक बार तो उन्होंने खुदकुशी करने का तक सोच लिया। वहीं पढ़ाई में ना सही पर संगीत में उनकी रुचि थी। वे अपने पिता के साथ म्यूजिक स्टूडियो में घंटों बिताते थे। इस दौरान वे कई म्यूजिक इक्विपमेंट भी बजाना सीख गए थे। रहमान की छोटी उम्र में उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उनके घर के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। मुफलिसी के दौर में उनकी बहन को एक अनजान बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर भी हर उपाय कर थक चुके थे। इस दौरान दिलीप शेखर की मां एक मुस्लिम फकीर के संपर्क में आई। फकीर की दुआ से रहमान की बहन स्वस्थ हो गई। इसके बाद रहमान का फकीर, दरगाह और इस्लाम के प्रति आस्था बढ़ गई। दिलीप शेखर ने अब तय कर लिया था कि वो अल्लाह की ही इबादत करेंगे। इसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मन के किसी कोने में रहमान नाम बार बार कौनता था, तो उन्होंने अपना नाम रहमान रख लिया। वहीं उनकी माँ भी इस्लाम से प्रभावित हो चुकी थी। वे तो रहमान के नाम के साथ अल्लाह भी जोड़ना चाहती थी। इसके बाद रहमान ने माँ की बात का मान रखते हुए अपने नाम से अल्लाह भी जोड़ा। इस तरह वे अल्लाह रखा रहमान बने। दिलीप शेखर ने साल 1989 में 23 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। एआर रहमान ने साल 1991 में म्यूजिक रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। उनके संगीत से प्रभावित मणिरत्नम ने अपनी फिल्म रोजा के लिए एआर रहमान को चुना था। इस मूवी में रहमान ने फिल्म फेयर जीता। इसके बाद उन्होंने ऑस्कर विनिंग तक हर मुकाम हासिल किया है। बिंदास बोल टीम की तरफ से रहमान साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े। डाउनलोड नाउ, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और अभी डाउनलोड करें।